आपको सीधा दिल्ली ले चलते हैं जहां अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इज विजिबल, इट्स एन इलेक्शन इशू टू दैट एक्सटेंट। अप्रोच टू सिक्योरिटी इज एन इलेक्शन इशू। देखिए एफएटीएफ में वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट पे हैं और मिड मई में एफएटीएफ की मीटिंग है, तो भारत के पास तो जो तथ्य हैं वो रखेंगे, लेकिन इन बॉडीज में बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है और हम तो चाहेंगे कि जो एफएटीएफ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान की लिस्ट को डाउनग्रेड करने के, वो उन पे लगने चाहिए। शायद वो देखना नहीं चाहते, जो रिजल्ट चिदंबरम साहब को समझ में नहीं आ रहा दुनिया भर में लोगों को आ रहा है। देखिए मैंने समझा दिया, ये इन दोनों की नासमझी के बयान हैं। मैंने पहले भी कह दिया कि जो लिस्टिंग का प्रस्ताव होता है वो आतंकवादी का बायोडेटा नहीं होता पूरा, कम से कम इतनी समझ इनको होनी चाहिए। और जो जिस वजह से चाइना ने स्टैंड बदला, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया अग्रेसिव हुए, स्वाभाविक है कि पुलवामा का उसमें बहुत बड़ा रोल था। ये तो गर्व का विषय है कि राष्ट्रवाद अपने देश के अंदर चुनाव का मुद्दा है, इसमें आरोप क्या है? और ये तो शर्म की बात है कि उनको लगता है कि राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि मैंने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की थी कि चुनाव का माहौल है और इसलिए अपने आप को गर्व से हिंदू कहना ये एक चुनावी हिंदुओं का एक रिवाज बन गया है। जब विश्व हिंदू परिषद कहता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो उसको सांप्रदायिक मानते थे, अब उसका अनुवाद करके कई लोग यही बोलने लग पड़े हैं और दिग्विजय सिंह जी ने भी लगभग यही कहा। अब 2004 और 9 और 14 के चुनाव में तो मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मंदिरों में जाते नहीं देखा था, लेकिन इस बार 19 में चुनावी हिंदू उनको भी बनना पड़ा है। पार्डन, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन ट्वाइस। देखिए मैंने मैं काफी समय से एक टिप्पणी कर रहा हूं कि एक मुख्य धारा का दल धीरे धीरे फ्रिंज पार्टी बन रहा है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज नाउ अ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन, और ये केवल साइज में नहीं है। पंडित जी और इंदिरा जी के समय 300 से 400 की पार्टी होती थी, और जब इंदिरा जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई उस स्थिति में भी वो अपनी कुर्बानी देके कांग्रेस को 400 सीट दिला गई।
राजीव जी ने उसको 125 से 150 की पार्टी बना दिया, केवल एक 2009 का चुनाव अपवाद था। अब वो 40 से 70 सीट की पार्टी है, तो संख्या में भी वो फ्रिंज है, और जो स्टैंड भी लेते हैं चाहे आर्थिक मुद्दों पे हो, आप मुझे बताइए कि पंडित जी के समय या सरदार पटेल के समय, इंदिरा जी के समय या नरसिम्हा राव जी या राजीव जी के समय भी देश के टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह इन नारों लगते हुए कोई कांग्रेस का नेता जाता वहां पर? ये सिर्फ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं। और इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की दृष्टि से भी ये जो कांग्रेस की नेता ने कल कहा कि हम वोट कटुआ हैं, अब ये एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन बनने का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। दिस इज अ अटर रबिश। कांग्रेस एज अ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड इट अ हैबिट ऑफ अटैकिंग इंस्टीट्यूशंस। दे ब्लैकमेल इंस्टीट्यूशंस, एंड इफ इंस्टीट्यूशंस डोंट अग्री विद देम, वेदर इट्स द जुडिशरी और इट्स द इलेक्शन कमीशन, देन दे टार्निश देम। वी मस्ट बियर इन माइंड दैट देर इज अ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट which is administered by the election commission. We have a large number of BJP leaders against whom action is taken, but Congress comes out with frivolous complaints and then puts an unnecessary pressure. I want to just say one sentence. Model code of conduct does not encroach into free speech. It is subject to free speech. Both have to exist together harmoniously. अब कल का आप उदाहरण ले लीजिए, ये कहना कि शहीदों की कुर्बानी को याद रखना वोट देने से पहले, किसी पार्टी का नाम नहीं, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं, कि भाई पेट्रियोटिज्म है, जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं तो राष्ट्रवाद के ऊपर वोट मांगना, इससे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहां से वायलेट होता है? क्या इस देश में फ्री स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) डिलीट हो चुका है? इज मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फ्री स्पीच? द आंसर इज नो। इट इज मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इज सब्जेक्ट टू फ्री स्पीच, इट डजंट श्रिंक फ्री स्पीच। यू आस्क वन क्वेश्चन ऑलरेडी। इट्स अनफॉर्चुनेट, it's unfortunate, should not be done. I am sure the appropriate bodies will consider it on merits. मुझे लगता है कुछ वक्तव्य टिप्पणी के लायक नहीं होते। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस वार्ता कर रहे थे, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर यह प्रेस वार्ता की उन्होंने दिल्ली भाजपा कार्यालय में। वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस वार्ता आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे थे। आपको बता दें कि मसूद अजहर को लेकर यह प्रेस वार्ता कर रहे थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, और इसी को लेकर यह प्रेस वार्ता अरुण जेटली की दिल्ली से। आपको बता दें कि बीते 10 सालों में 4 बार चीन वीटो पावर लगाकर इसमें अड़ंगा लगा चुका था, लेकिन आखिरकार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। और हाल ही में हुए पुलवामा आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी मसूद अजहर ने, और आखिरकार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है।
और इसी को लेकर बीजेपी कार्यालय से वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। मसूद अजहर को लेकर ये प्रेस वार्ता दिल्ली भाजपा कार्यालय से आपको दिखा रहे थे।